हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थी रोबोट बनाना सीख रहे हैं। प्रथम चरण में प्रदेश के 4 जिलों में 100 स्कूलों में ये पढ़ाई शुरू की गई है। प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, मंडी, शिमला और हमीरपुर में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 100 स्कूलों में यहां लैब स्थापित की गई है। इन लैब में विद्यार्थी रोबोट बनाना और इसे संचालित करना सीख रहे हैं। हमीरपुर जिला के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला ताल में हर दिन रोबोटिक्स लैब में विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक विद्यार्थी समय सारणी के मुताबिक लैब में पढ़ाई करने आते हैं। हर दिन अलग कक्षा के विद्यार्थियों को लैब में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। लैब में फिलहाल बच्चे ड्रोन उड़ाना, रोबोटिक टैंक्स बनाना और चलाना सीख रहे हैं। इसके अलावा सेंसर तकनीक को लेकर भी विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। लैब में 3D प्रिंटर उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए हैं। हालांकि 3D प्रिंटर को संचालित करने के लिए शिक्षकों को द्वितीय चरण की ट्रेनिंग दिया जाना बाकी है। वहीं स्कूली छात्रों का कहना है कि वो लैब में पिछले 2 माह से पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें लैब में रोबोट बनाना और इन्हें संचालित करना बेहद पसंद है। वहीं विद्यालय के विज्ञान विषय के अध्यापक अजय का कहना है कि विद्यार्थी रोबोटिक लैब में पढ़ाई का इंतजार करते हैं। हर दिन अलग अलग कक्षा के विद्यार्थियों को समय सारणी के मुताबिक लैब में पढ़ाया जाता है। स्कूल के प्रधानाचार्य सुभाष चंद का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में ये पढ़ाई बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर अनिल कौशिक का कहना है कि विद्यार्थियों को मॉडर्न साइंस की संभावनाओं से रूबरू करवाने के लिए ये लैब मील का पत्थर साबित हो रही है। जब स्कूल खुले तो तब से हमने बच्चों के जो पीरियड है वो हफ्ते का मिनिमम एक क्लास का एक बार ले रहे हैं और बच्चों को सिखला रहे हैं। जो हमने सीखा है वो बच्चों को भी सिखला रहे हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन बाय डूइंग है, ठीक है। तो इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, इनोवेटिव आइडिया है, न्यू क्रिएशंस है, तो इस वजह से बच्चे बहुत अधिक रुचि ले रहे हैं इसमें और ख़ुद भी रोबोट्स वगैरह बना रहे हैं। अभी तक चेसिस वगैरह, ठीक है, पावर बोर्ड से उसको कनेक्ट करना उतने तक सीख गए हैं। अभी तक प्रोग्रामिंग सेक्शन जो हमारा है वो बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ी महत्वपूर्ण ब्रांच रोबोटिक लैब्स हैं, रोबोट्स हैं, तो ये बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम 6ठी से 12th के सभी बच्चों को हफ्ते में लगभग एक एक क्लास सबको एक पीरियड के लिए रोबोटिक लैब में ले जाते हैं और प्रोसेस बाय प्रोसेस हर एक स्टेप बाय स्टेप रोबोट्स असेंबल करना बच्चों को सिखा रहे हैं। कैसे किन किन चीज़ों को यूज़ करके रोबोट्स काम करता है वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाया जा रहा है। सर, आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अपनी, चाहे इंडस्ट्रीज़ की बात करें या दूसरे फील्ड्स हैं, हर एक फील्ड में रोबोट्स की जो भूमिका है वो डे बाय डे इसकी बढ़ती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर किसी भी क्षेत्र की बात करें, अभी इंडस्ट्रीज़ में रोबोट्स की पिछले 5-6 सालों में जो यूज़ है वो लगभग दुगना हो चुका है। और दूसरे जैसे आपदा वगैरह में अगर हम नहीं यूज़ करना हो, कहीं आग लगी है तो जहां जान माल के नुकसान होने की संभावना रहती है वहां भी रोबोट्स का हम बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आने वाले समय में रोबोट्स की जो भूमिका है वो बड़ी महत्वपूर्ण है और इसकी डिमांड और इस टेक्नोलॉजी की डिमांड आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी। तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को शुरू से ही इसकी जानकारी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे इस फील्ड में अपना कैरियर अगर बनाएंगे तो आगे जाके बहुत अपॉर्चुनिटीज के क्षेत्र में है। इसमें ड्रोन उड़ाने के बारे में बताया गया, ड्रोन को कैसे बनाया जाता है और इसको ड्रोन को उड़ाने के लिए जो रिमोट कंट्रोल किया, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले इनके पार्ट्स को जोड़ना सिखाया और उसके बाद सर ने हमें मतलब हर दूसरे तीसरे दिन के बाद सर हमारी रोबोटिक्स की क्लास होती है और जिसमें सर ने हमें बारी बारी करके बताया, पहले से बनाना सिखाया, उसके बाद कंट्रोल करना सिखाया गया और उसके बाद हम इसे पूरे अच्छी तरह से चला भी लेते हैं। रोबोटिक्स लैब में बहुत कुछ सीखा, बनाना, जैसे ड्रोन बनाना सीखा हमने रोबोटिक टैंक बनाना सीखा। अभी हमारी कंस्ट्रक्शन सर 3D प्रिंटर के ऊपर चल रही है और पूरा कंस्ट्रक्ट न्यू है वो, और ब्रेड बोर्ड के ऊपर हम कर रहे हैं। थोड़ा ब्रेड बोर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो RGB के ऊपर होता है, 3 कलर की लाइट होती है वो, रेड, ब्लू और ग्रीन। लोग मोस्टली यूज़ जैसे दीपावली के ऊपर हो सकती हैं, जैसे एरोप्लेन में जो ब्लिंकिंग लाइट्स होती हैं वो
जो नीचे से सिग्नल जैसे हम देते हैं वो ऊपर भी सिग्नल उसमें दिए जाते हैं। और जैसे हम नॉर्मल बुक्स वगैरह में पढ़ेंगे तो मतलब थोड़ी डिफिकल्टी आती है, अगर मतलब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो सर उसमें थोड़ी आसानी वगैरह आती है। टीचर्स भी हमारी काफ़ी हेल्प करते हैं, जैसे हमें बाहर प्रैक्टिकल करके बताते हैं, खुद रोबोट जैसे हमें खुद कंस्ट्रक्ट करने के लिए देते हैं, खुद बनाते हैं हम और खुद उसको मतलब बाहर जाके मतलब जैसे ड्रोन बनाया हमने तो उसको बाहर हम उड़ाएंगे सभी बच्चे मिलकर। कोई मतलब गलती होती है तो सर टीचर्स वगैरह हमें समझाते हैं स्कूल वगैरह के लिए। और जब मैम किताबों में करवाते तो भी रीडिंग के थ्रू समझ आ जाता है, लेकिन जब लैब में लेके जाते तो वहाँ पे मैम बताते हैं कि इस टाइप से क्या होता है तो वहाँ पे ज़्यादा समझ आता है।